हे गाइस, यदि आप एक 27 इंच मॉनिटर लेने का प्लान कर रहे हैं अंडर 15,000 प्राइस सेगमेंट, तो डेल और बेनक्यू के मॉनिटर काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर करते हैं। पर्सनली मैं इन दोनों मॉनिटर को अराउंड 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और बाकी वेब ब्राउजिंग जैसे स्टफ के लिए। सो गाइज, हियर इज अ क्विक रिव्यू कि इन दोनों मॉनिटर में से आपको कौन सा मॉनिटर लेना चाहिए। यदि आप इन मॉनिटर के डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कार्ट पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। दोनों ही मॉनिटर में काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल यूज किया है, जिससे मॉनिटर की बॉडी काफी सॉलिड फील होती है। डेल मॉनिटर का सिल्वर और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन डेफिनेटली इसे बेनक्यू मॉनिटर से स्टैंड आउट कर देता है स्टैंडर्ड ब्लैक कलर से। वन थिंग गाइस, डेल की मिनिमलिस्टिक डिजाइन होने की वजह से हम इसमें केबल मैनेजमेंट इतना बेटर देखने को नहीं मिलता है। HDMI या फिर पावर केबल हमें मॉनिटर से कनेक्ट करने के बाद भी क्लियरली विजिबल होती है। ऑन दी अदर हैंड, बेनक्यू मॉनिटर में केबल्स को हाइड करने के लिए हमें प्रॉपर कवर मिल जाता है, जिसे हम बैक साइड पर मॉनिटर की केबल को सिस्टमेटिकली अरेंज करके हाइड कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात की जाए तो डेल मॉनिटर में हमें 2 HDMI पोर्ट्स और लाइन इन ऑडियो जैक मिलता है। आई रियली लाइक कि इस मॉनिटर में हमें 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं, जिससे आप अपने पर्सनल और ऑफिस लैपटॉप को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और बेनक्यू मॉनिटर की बात करें तो कनेक्टिविटी के लिए हमें इसमें 1 HDMI पोर्ट, DVI पोर्ट, VGA पोर्ट के साथ लाइन इन और 3.5mm जैक का सपोर्ट मिलता है। व्हाट आई लाइक इज कि इसमें हमें 2W के स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, जो डिसेंट लेवल का आउटपुट दे सकते हैं। iPhone से ये स्पीकर्स आपको काफ़ी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस देंगे एंटरटेनमेंट के लिए, बट यदि आप ऑफिस मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस देखना प्रेफर करते हैं, देन ये स्पीकर्स आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अब कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनक्यू काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कंपेयर टू डेल मॉनिटर। अब सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो डेल मॉनिटर में विंडोज़ के लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, जिससे आप मॉनिटर की ब्राइटनेस, कलर प्रोफाइल और काफ़ी सारे मॉनिटर के ऑप्शंस को डायरेक्टली कंट्रोल कर पाते हैं हमारे विंडोज़ PC से। आई फील लाइक कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो हमें हर मॉनिटर के साथ मिलना ही चाहिए। मॉनिटर की ब्राइटनेस को एडजस्ट करने से लेकर कलर कॉन्ट्रास्ट, यूज़र प्रोफाइल को स्विच करने के लिए हमें जो मॉनिटर के डाउन साइड पर बटन से मेन्यू को कंट्रोल करना, इतना कम्फर्टेबल एक्सपीरियंस फील नहीं होता है। बेनक्यू में हमें डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो नहीं मिलता है, बट हमें DDC और CI का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप किसी भी थर्ड पार्टी मॉनिटर ऐप को इंस्टॉल करके मॉनिटर की ब्राइटनेस, कलर, वॉल्यूम जैसे फीचर्स को PC से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें बेनक्यू में इंटेलिजेंट लाइट सेंसर मिलता है, जो ऑटोमेटिकली लाइट की सराउंडिंग को चेक करके मॉनिटर की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देता है। रियली थम्स अप फॉर दैट। अब डिस्प्ले की बात करें तो दोनों मॉनिटर में हमें IPS पैनल मिलता है, जो फुल HD रिजोल्यूशन के साथ आता है। IPS पैनल होने की वजह से मॉनिटर की ब्राइटनेस, व्यूइंग एंगल, कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट साइड एंगल से भी इमेजेस क्लियरली विजिबल होती है। अब सबसे मेजर डिफरेंस की बात करें तो हमें बेनक्यू में 60Hz का रिफ्रेश रेट और डेल में हमें 75Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। 75Hz का रिफ्रेश रेट होने से श्योरली डेल मॉनिटर पर हमें स्मूथ पिक्चर क्वालिटी और स्लाइटली ज़्यादा बेटर टेक्स्ट विजिबल होते हैं। ऑन दी अदर साइड, बेनक्यू में कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, इमेजेस शार्प और विविड विजिबल होती है। अब गाइस, बात करें यदि आपको इन दोनों मॉनिटर में से कौन सा मॉनिटर पिक करना चाहिए, तो यदि आपका मोस्टली वर्क टेक्स्ट बेस्ड रहता है, जैसे कंटेंट राइटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग या फिर रिसर्च रिलेटेड, देन आपके लिए डेल मॉनिटर एक परफेक्ट ऑप्शन है। गाइस, पर्सनली वन थिंग विच आई डोंट लाइक विद डेल मॉनिटर इज कि हमें इसमें 16A का पावर प्लग मिलता है, जो कि नॉर्मली हमारे घर के सॉकेट से कनेक्ट नहीं होता। इसके लिए आपको एडिशनली पावर सॉकेट कन्वर्टर की जरूरत होगी, यदि आप अपने नॉर्मल रूम के सॉकेट में इस प्लग को कनेक्ट करना चाहते हैं। 16A के सॉकेट्स हमें जनरली माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स में देखने के लिए मिलते हैं। आई डोंट नो व्हाई कि डेल ने इस पावर प्लग को क्यों यूज करा है नॉर्मल मॉनिटर के लिए। सो यदि आप डेल का मॉनिटर कंसीडर कर रहे हैं, देन यू शुड कीप इन माइंड कि आपको एक एडिशनल पावर कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। अब बात करें बेनक्यू मॉनिटर के लिए, तो ये एंटरटेनमेंट के लिए एक परफेक्ट है। यदि आप मोस्टली अपने मॉनिटर पे मूवी, गेमिंग या फिर यूट्यूब वीडियोस जैसी चीजें देखते हैं, देन आपको बेनक्यू का ही मॉनिटर कंसीडर करना चाहिए। व्हाट आई लाइक इस मॉनिटर में हमें मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस, इनबिल्ट स्पीकर
और विविड पिक्चर क्वालिटी मिलती है जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वर्क के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। स्टिल आपको किसी भी टाइप का डाउट है इन दोनों मॉनिटर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। यू कैन हिट लाइक, सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।